हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका लेट्स क्रैक सीटी एग्जाम्स पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं जनरल साइंस की क्लास लेकर। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएं, सेशन को दोस्तों आप लोग शेयर कर दें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण साइंस के सवालों को। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे। ये दोस्तों मेरा इंट्रोडक्शन है, आप हम अनअकैडमी के ऐप पर फॉलो भी कर लेंगे ताकि मेरी क्लास होगी आज अनअकैडमी के ऐप पर एक तो 1 बजे होगी और दूसरी क्लास होगी आपकी 3 बजे, ठीक है? तो आप इस दोनों क्लास में जुड़ेंगे। 1 PM पे हम लोग साइंस के सवालों को देखेंगे जो कि आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और 3 PM पर हम लोग जीएस का मॉक जो देखते हैं वो मॉक आपका होगा। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा टेलीग्राम चैनल है SSC इनग्रेव, इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे ताकि यहाँ पर आपको क्लासेस की लिंक वगैरह मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिल जाती है। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, आप हमारे प्लस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं, डिफरेंट एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलता है और इन सभी का आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होता है, जो दोस्तों कितने पर मंथ से स्टार्ट होता है, 300 पर मंथ से आपका ये स्टार्ट होता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको अपना गोल SSC एग्जाम या फिर जो भी आपका एग्जाम है उसे आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, इन ऑप्शंस में आप या तो 12 मंथ या 24 मंथ कोई भी आप एक ऑप्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये कोड यूज़ करेंगे, इस कोड को यूज़ करने पर आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। देन आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ले पाएंगे। और दोस्तों याद रखेंगे अगर आप 6, 12 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। इसका मतलब यह है कि आप इसी अमाउंट को छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में मंथली भी पे कर पाएंगे, ठीक है? तो चलिए जुड़ चुके हैं। अच्छा बच्चे आजकल मतलब लग रहा है व्यस्त हैं, ठीक है। चलिए पूनम सिंह जी, सोनू डाल्टनगंज जी, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं कुछ बच्चे जुड़ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना? कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए टोटल हमारे पास 25 सवाल हैं, इन सवालों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो भी बच्चे हैं या जितने भी हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर है, द सिग्मॉइड कोलोन इज अ पार्ट ऑफ, यानी सिग्मॉइड कोलोन जो है ये किसका पार्ट है ये आपको बताना है, ठीक है? पहला है आपका इलियम, दूसरा है एनल कैनाल, तीसरा है बिग इंटेस्टाइन और चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन। आपसे पूछा जा रहा है कि सिग्मॉइड कोलोन जो है ये किसका एक हिस्सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है, इसका आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है? सिग्मॉइड कोलोन किसका एक पार्ट है? गुड मॉर्निंग रोही शर्मा जी। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कोलोन, तो कोलोन आपको पता होगा किसका पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन या बिग इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जिसका काम क्या होता है दोस्तों, जिसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि ये क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, और इस जल का अवशोषण कर दोस्तों ये किसे देता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। तो यहाँ पर दोस्तों एक बैक्टीरिया भी होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इलियम में दोस्तों क्या होता है, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनका क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पर, इलियम के अंदर। इस इलियम के अंदर कौन करता है इसका एब्जॉर्प्शन, तो याद रखिएगा दोस्तों इलियम के अंदर एक विलाई होता है, रसांकुर होता है, वो पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। बात करेंगे अगले सवाल की, अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, द मास्टर कॉपी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज, यानी हमारे शरीर के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो मास्टर कॉपी है वो कौन है ये आपको बताना है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है, mRNA को, न्यूक्लियस को, rRNA को या फिर DNA को, इसका आप लोग उत्तर दीजिए।
हाँ जी बताइए, सभी लोग इसका उत्तर दें। हाँ जी चलिए, जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इस सवाल की, तो मास्टर कॉपी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो किसे कहा जाता है? डीएनए को। डीएनए दोस्तों किससे बना होता है? जीन से, है ना, याद रखिएगा। और जीन की खोज किसने करी है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और फादर ऑफ जेनेटिक्स भी दोस्तों मेंडल को ही कहते हैं। जीन नाम किसने दिया था? जोहानसन ने। डीएनए में जो प्रोटीन मिलता है दोस्तों वो कौन सा होता है? हिस्टोन। डीएनए दोस्तों जब डीएनए की बात करते हैं तो इसके अंदर एक सुगर होता है, डीऑक्सीराइबो, है ना, डीऑक्सीराइबो सुगर, जो दोस्तों किस तरह का सुगर होता है? पेंटोज सुगर होता है। और इसके अंदर दोस्तों जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो कौन सा होता है? एडेनिन, गुआनिन, और दोस्तों साइटोसिन और थायमिन होता है। गुआनिन, साइटोसिन और क्या होता है? थायमिन। ये चार नाइट्रोजिनस बेस होते हैं इसके अंदर, ये भी आपको याद रखना है। डीएनए की जब बात करते हैं दोस्तों, डीएनए की खोज तो एम फ्रेडरिक ने करी, ठीक है, लेकिन डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल वो किसने डेवलप किया था? वॉटसन एंड क्रीक ने डेवलप किया था, ये भी याद रखेंगे। एमआरएनए की बात करते हैं दोस्तों, इसका नाम है मैसेंजर आरएनए, जो क्या करता है दोस्तों? न्यूक्लियस के डायरेक्शन पर डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड को क्या करता है आपको, और दोस्तों सेलेक्ट करता है। और ये आरआरएनए यानी जिसे हम लोग राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, ये दोस्तों क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। न्यूक्लियस दोस्तों जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। इसका काम क्या होता है? रॉबर्ट ब्राउन जो आपका न्यूक्लियस को खोजा, ये दोस्तों सेल के अंदर, सेल का ये कंट्रोल सेंटर होता है, कोशिका का ये कंट्रोल सेंटर कहते हैं इस न्यूक्लियस को। इस चीज को भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की, अगले सवाल की। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ स्वेलोइंग एंड वॉमिटिंग, यानी कि निगलने और उगलने का जो केंद्र है हमारे ब्रेन के अंदर वो कौन सा है? सेरेब्रम है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, सेरेबेलम है, या फिर पॉन्स है? इसका आप लोग उत्तर दीजिए, क्या सही जवाब होगा? हाँ जी और सेशन को आप लोग शेयर भी करते रहें, ठीक है ना, सभी बच्चे। जब बात करते हैं दोस्तों हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा? सेरेब्रम, ठीक है, इसे ब्राउन मटेरियल भी कहते हैं हम लोग, इसे मैन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है। हमारे ब्रेन का दो तिहाई हिस्सा होता है सेरेब्रम। कहाँ पर होता है ये? फोर ब्रेन में, अग्र मस्तिष्क में होता है, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों ये सोचने के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, रीजनिंग के लिए, सब चीज़ के लिए दोस्तों, हमारे क्रिएटिव स्किल्स के लिए, क्रिएटिविटी के लिए कौन? सेरेब्रम ही जिम्मेदार होता है। सेरेब्रम जो है दोस्तों याद रखिएगा, इसको राइट और लेफ्ट हमें इस पर में बांटता कौन है? कॉर्पस कलेशियम। मेडुला ऑब्लांगेटा दोस्तों ये हार्ट बीट को, पल्स रेट को, ब्लड प्रेशर को, इन सभी को रेगुलेट करता है। और दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में याद रखिएगा, यही निगलने और उगलने का केंद्र, ये भी दोस्तों कौन सा होता है? ये भी याद रखिएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा ही होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा दोस्तों हमारे पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। जब बात करते हैं सेरेबेलम दोस्तों, ये किसके लिए? ये दोस्तों हमारे बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? सेरेबेलम, जिसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? सेरेबेलम ही कहते हैं। और ये हमारे हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क में ही मिलता है, इस चीज को भी आपने याद रखना है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मेडुला ऑब्लांगेटा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होता है ये कैसे प्रोड्यूस होता है, किसके द्वारा इसका मतलब प्रोडक्शन होता है, ये आपको बताना है। हॉर्मोन्स के द्वारा, बोन मैरो के द्वारा, हार्ट के द्वारा, या लीवर के द्वारा? उत्तर दीजिए। हाँ जी बताइए, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी को ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी को ही दोस्तों हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं इसे? एरिथ्रोसाइट। इसका निर्माण दोस्तों कौन करता है? बोन मैरो। जबकि दोस्तों इसका डेथ कहां पर होता है? इसका डेथ होता है स्प्लीन यानी प्लीहा में, ठीक है, जिसे हम लोग आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। इसका जीवन काल 120 दिन होता है।
इसका दोस्तों लाल रंग किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन में आयरन नामक तत्व भी मिलता है। इसकी संख्या दोस्तों 40 से 50 लाख होती है पर क्यूबिक एमएम। और इसकी संख्या मेजर किससे करते हैं दोस्तों? हेमोसाइटोमीटर से मेजर करते हैं। आरबीसी की मात्रा कम होती है तो एनीमिया होता है, संख्या ज़्यादा होती है तो पॉलीसीथेमिया होता है, और ज़्यादा अगर आपका आरबीसी नष्ट होने लग जाता है तो उससे थैलेसेमिया होता है। और वर्ल्ड थैलेसेमिया डे दोस्तों किस दिन मनाते हैं? जिस दिन इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है, और वो दिन कौन सा है दोस्तों? 8 मई। इसे भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बोन मैरो इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, अगले सवालों पर। और आपका अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंसेक्ट्स हैव वन पेयर ऑफ लेग, टू पेयर ऑफ लेग, थ्री पेयर ऑफ लेग या फिर फोर पेयर ऑफ लेग? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, हेमोग्लोबिन के डिस्ट्रॉय होने से यूरोक्रोम बनता है, और यूरोक्रोम के कारण ही यूरिन का कलर कैसा होता है? येल्लो होता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं इंसेक्ट की, सबसे पहले तो याद रखिएगा दोस्तों, इंसेक्ट की जब बात करते हैं तो इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग? एंटोमोलॉजी कहते हैं। और इंसेक्ट में दोस्तों कितने पेयर ऑफ लेग होते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके अंदर थ्री पेयर ऑफ लेग होते हैं। और अगर आपसे सिंपल नंबर पूछा जाए तो कितने पैर होते हैं इसके? 6 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, थ्री पेयर ऑफ लेग इज द राइट आंसर। बराबर है। चलिए बात करेंगे इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वॉज डन बाय, यानी कि सबसे पहला सक्सेसफुल सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? सी एन बर्नार्ड, डी सेटी, डी एस पैंटल या फिर पी के सेन, किसने किया था सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण? यह आपको बताना है, सफल हृदय प्रत्यारोपण। सेशन को दोस्तों आप लोग शेयर भी करिए, सभी बच्चे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। बात करते हैं दोस्तों, पहला हृदय प्रत्यारोपण दोस्तों 3 दिसंबर 1967 को साउथ अफ्रीका में दोस्तों, याद रखिएगा, किसने किया था? सी एन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ठीक है, और इंडिया के अंदर दोस्तों सबसे पहला जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो हुआ वो दोस्तों किसने किया? पी वेणुगोपाल ने किया था दोस्तों। कब? तो याद रखिएगा 3 अगस्त 1994 को। कहाँ पर? एम्स में किया था। इस चीज को भी आपने याद रखना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सी एन बर्नार्ड इज द राइट आंसर। अगले मुद्दे पर चलते हैं, इसके बाद अगले मुद्दे पर, अगले प्रश्न पर। अ विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, द विटामिन इज, कहा जा रहा है इसमें से कौन सा विटामिन है जिसको अपनी एक्टिविटी के लिए कोबाल्ट की जरूरत होती है, उस विटामिन का नाम बताइए। ठीक है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी 12 या विटामिन बी 2? उत्तर दीजिए सभी लोग, क्या सही उत्तर होगा? चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर विटामिन डी, इसके लिए दोस्तों किसकी जरूरत होती है? कैल्सीफेरॉल है, कैल्शियम और फास्फोरस को ये क्या करता है दोस्तों? एब्जॉर्ब करता है, इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन डी जो है दोस्तों, याद रखिएगा, ये हार्मोन की तरह भी यूज किया जा सकता है, सबसे ज्यादा तो सनलाइट में होता है। इसकी कमी अगर हो जाती है तो रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया नामक बीमारी होती है। विटामिन ए दोस्तों आई के हेल्थ के लिए जरूरी होता है, इसका केमिकल नाम होता है रेटिनॉल, सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है, इसे ही हम लोग एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी 12 दोस्तों याद रखिएगा, इसका केमिकल नेम है साइनोकोबैलामिन। क्या है इसका केमिकल नेम? साइनोकोबैलामिन। और इसमें दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाता है? याद रखिएगा, इसमें कोबाल्ट नामक तत्व मिलता है। कौन सा तत्व मिलता है इसमें? कोबाल्ट। यानी कि इसकी एक्टिविटी के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? कोबाल्ट की जरूरत होती है। और इस विटामिन बी 12 की अगर कमी हो जाती है इससे एनीमिया नामक बीमारी होती है। विटामिन बी 2 दोस्तों केमिकल नाम है राइबोफ्लाविन, और इसकी अगर कमी हो जाए तो याद रखिएगा, इसकी कमी से फोटोफोबिया या किलोसिस नामक बीमारी होती है। इस चीज़ को भी आप याद रखिए। विटामिन की खोज फंक ने करी, विटामिन थ्योरी एफजी हॉपकिंस ने दी थी, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और कोबाल्ट याद रखना है दोस्तों, कोबाल्ट 60, इसका यूज़ कहाँ पर? कैंसर के उपचार में भी होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ से भी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगले मुद्दे पर चलते हैं, इसके बाद अगला मुद्दा, अगला सवाल। इंसेक्ट्स बिलोंग टू द फाइलम,
इंसेक्ट जो है यानी कीट जो है वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, ये आपको बताना है। बताइए जो इंसेक्ट है वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। क्रस्टेशियंस, आर्थ्रोपोडा, सेलेंट्रेटा या फिर एनारिडा। इंसेक्ट किस फाइलम से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। बताइए। हाँ जी, और सेशन को आप लोग शेयर भी करिए, सभी छात्र जो भी देख रहे हैं। हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों इंसेक्ट की, कीट जो है दोस्तों वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो वो दोस्तों याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा संघ से बिलोंग करते हैं। आर्थ्रोपोडा जो है दोस्तों ये लार्जेस्ट फाइलम है किसका, एनिमल किंगडम का, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है आपका ये। जबकि दोस्तों याद रखिएगा जो प्लांट का जो मतलब दोस्तों प्लांट है, प्लांट का जो सबसे बड़ा फाइलम है वो दोस्तों कौन सा है बताइए। प्लांट का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम। हाँ जी जवाब दीजिए। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है। नॉट ब्रायोफाइटा, मैंने कब बता दिया है, थैलोफाइटा है ना। थैलोफाइटा इज द लार्जेस्ट किंगडम ऑफ प्लांट किंगडम, और इसी थैलोफाइटा के अंदर कौन आता है, एल्गी, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइवाल है ना। एल्गी जो है सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला क्या है, प्लांट है ना। आप लोग अच्छे से लग रहा है पढ़ नहीं रहे हैं, चीज़ों को सही से आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं, है ना, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए खैर बाकी अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे। अगला सवाल, अगला प्रश्न, द एलिमेंट विच इज द मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी इज, यानी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व तो मौजूद है, ये आपसे सवाल पूछा गया। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, कार्बन है। ठीक है, जवाब दीजिए इसका। चलिए इसका आप लोग उत्तर दें कि हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद है। दोस्तों मैंने कई चीजें आपको बताई, हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, नाइट्रोजन। हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में भी सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बाद हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, कार्बन। इस चीज को भी याद रखना है। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में दोस्तों 60-65% है, जबकि कार्बन की मात्रा कितनी है, 15-20% है, ये भी याद रखना है। हमारे बॉडी के वेट का 70% भार दोस्तों किसका होता है, पानी का होता है, ये भी आप याद रखेंगे। नाइट्रोजन की दोस्तों खोज किसने, रदरफोर्ड ने करी, और याद रखिएगा एनिमल का जो स्पर्म होता है, पशुओं का जो वीर्य होता है, उसे दोस्तों लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। ऑक्सीजन की खोज दोस्तों किसने करी है, प्रिस्टले ने करी है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। और आयरन की जब बात करते हैं दोस्तों, तो आयरन किसमें, हेमोग्लोबिन या आरबीसी में पाया जाता है, और इसकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। आयरन के जो ओर हैं, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है। और दोस्तों कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन के हमारे नेचर में लगभग दोस्तों कितने कंपाउंड हैं, 500,000 कंपाउंड, और सबसे ज्यादा कंपाउंड हमारे नेचर में किसके, कार्बन के ही पाए जाते हैं, इस चीज को भी आपने याद रखना है। क्लियर है पॉइंट। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन के बाद याद रखिएगा सबसे ज्यादा क्या होता है, सिलिकन, और सिलिकन के बाद सबसे ज्यादा क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, इसे भी आप याद रखना है। ठीक, अगले मुद्दे पर चलते हैं हम लोग, अगले मुद्दे पर, अगले सवाल पर। अगला सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, अ विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप, कॉजेस द डिजीज। यानी जो नियासिन जो आपका है उसकी अगर कमी हो जाती है तो उससे कौन सी बीमारी होती है, पेलाग्रा, नाइट ब्लाइंडनेस, मैरास्मस या रिकेट्स। इसका आप लोगों को उत्तर देना है, सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा, है ना। और सेशन को आप लोग इसी प्रकार शेयर भी करिए, सभी बच्चे सेशन को इसी तरह आप लोग लाइक भी करें। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो नियासिन है, नियासिन किसका केमिकल नेम है, विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम है, और इसकी कमी हो जाती है तो दोस्तों कौन सी बीमारी होती है, पेलाग्रा नामक बीमारी होती है, यानी कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए। नाइट ब्लाइंडनेस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये विटामिन ए की कमी से होती है, और इसमें दोस्तों क्या हो जाता है, जो रेटिना के अंदर जो रॉड होते हैं,
रॉड की संख्या क्या हो जाती है, रॉड सेल जो होती है उसकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी रोडोप्सिन कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। मैरास्मस और क्वासी यॉर्कर, ये बीमारी दोस्तों प्रोटीन की कमी से होती है, जबकि रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया ये दोस्तों किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से होती है। इस चीज को आपको याद रखना है, क्लियर है पॉइंट, है ना। चलिए अच्छा, इस बीमारी में हमारे जो मतलब मुंह है उसमें क्या होते हैं, छाले हो जाते हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अगले मुद्दे पर चलते हैं हम लोग, अगला मुद्दा, अगला सवाल, अगला प्रश्न, यहां तक किसी को कोई समस्या परेशानी है तो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय फंजाई, वायरस, एलर्जी या फिर बैक्टीरिया, किसके कारण होता है टाइफाइड बुखार। इस टाइफाइड बुखार को ही हम लोग आंत का बुखार भी कहते हैं, आपको पता होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आंत का बुखार, ठीक है। इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, क्या सही उत्तर होगा, टाइफाइड फीवर, चलिए। जब दोस्तों टाइफाइड की बात करते हैं तो टाइफाइड याद रखिएगा एक बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों, जिसका नाम होता है सोलमोनेला टाइफी, है ना, किसके कारण होता है, सोलमोनेला टाइफी। और इस टाइफाइड के टेस्ट के लिए दोस्तों कौन सा, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है बताइएगा आप लोग। तो यानी कि ये दोस्तों सोलमोनेला टाइफी क्या है, एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की खोज किसने दोस्तों, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने करी, किसने करी, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने करी है, इस चीज को भी आपने याद रखना है। वायरस दोस्तों याद रखिएगा, वायरस की खोज इवानोवस्की ने करी है, और ये जो टाइफाइड नामक बीमारी होती है ना, इसमें दोस्तों हमारे मतलब इंटेस्टाइन पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों इसे फीवर ऑफ इंटेस्टाइन या इसे आंत का बुखार भी कहते हैं, याद रखेंगे। और ये दोस्तों हमारे जो मतलब फैलता है ये किससे, कॉन्टिमिनेटेड फूड या कॉन्टिमिनेटेड वाटर से। और दोस्तों इसका जो कारक है ये कैसे हमारे शरीर में पहुंचता है, एक दोस्तों हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई यानी जो घरेलू मक्खी होती है उसकी, ये दोस्तों इसका क्या होता है, कैरियर होता है। और फ्लाई के बारे में आपको पता है, मक्खी के बारे में पता है, जो मक्खी होता है दोस्तों उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। तीन तरह के फ्लाई याद रखने हैं, हाउस फ्लाई, टाइफाइड, सीसी फ्लाई, सीसी से स्लीपिंग सिकनेस, सीसी फ्लाई, और एक होता है सैंड फ्लाई, जिससे दोस्तों याद रखना है कौन सी बीमारी होती है, कालाजार नामक बीमारी होती है, याद रखेंगे। सोलमोनेला टाइफी, इसके लिए दोस्तों कौन सा टेस्ट होता है, मतलब यानी टाइफाइड इसके लिए होता है कौन सा टेस्ट, तो वाइडल टेस्ट होता है, इस चीज को भी आपने याद रखना है, क्लियर है पॉइंट यहां तक, बहुत अच्छे। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी कि वह यंत्र जो हवा की सापेक्ष आर्द्रता को मेजर करता है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या बैरोमीटर, इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं इस सवाल की दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखिएगा एयर, एयर की जो स्पीड होती है वो मेजर की जाती है किससे, एनेमोमीटर से, ठीक है, एनेमोमीटर से। ह्यूमिडिटी क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ह्यूमिडिटी जो होता है वो हम लोग हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं, और ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, वाटर वेपर इन एयर डिवाइडेड बाय वाटर वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ एयर, है ना, ये होता है दोस्तों क्या, ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला, कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर डिवाइडेड बाय वाटर वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ एयर, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ एयर, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोस्तों याद रखिएगा, इसे मेजर करते हैं हम लोग किससे, एक डिवाइस होती है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइग्रोमीटर, ठीक है। ये हाइड्रोमीटर जो है दोस्तों, इससे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड है फ्लूइड की रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं किससे, हाइड्रोमीटर से। लैक्टोमीटर से दोस्तों हम लोग प्योरिटी ऑफ मिल्क या डेंसिटी ऑफ मिल्क मेजर करते हैं, प्योरिटी या डेंसिटी ऑफ मिल्क मेजर किया जाता है। और बैरोमीटर के बारे में पता है दोस्तों, बैरोमीटर की खोज ई टार सेली ने करी थी, जिसको दोस्तों हम लोग, जिससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव, ये दोस्तों मेजर किया जाता है किससे, बैरोमीटर से। और बैरोमीटर में जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो ये भी आपको याद रखना, दैट इज 7760 mm ऑफ Hg, दिस इज स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ आवर बैरोमीटर, इस चीज को भी आपने याद रखना है, क्लियर है यहां तक।
चलिए बात करते हैं इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की, अगले सवाल की। गुड मॉर्निंग रुद्र जी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या डिफरेंस है? देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो हम किसी के मतलब सापेक्ष में निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है क्या, वो आपका एयर के ह्यूमिडिटी की ही बात की जाती है उसमें, ठीक है बजरंग बली जी। यहां तक किसी को कोई समस्या परेशानी दुविधा है तो बोलिएगा, चलेंगे नहीं तो फिर हम लोग अगले प्रश्न पर, अगले सवाल पर। और अगला प्रश्न, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देयर आर फोर मैन ब्लड ग्रुप्स ए बी ए बी एंड ओ। द रेड सेल्स ऑफ द ब्लड ग्रुप ए बी कैरी, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर चार मुख्यतः चार ब्लड ग्रुप होता है ए बी ए बी और ओ, तो कहा जा रहा है कि ए बी ब्लड ग्रुप का जो रेड सेल होता है वो किसको कैरी करता है, ना तो ए ना ही बी एंटीजन, बोथ ए एंड बी एंटीजन, समटाइम्स ए एंटीजन समटाइम्स बी एंटीजन, या सिर्फ ए एंटीजन को, इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा। सभी लोग इसका जवाब दें और सेशन को दोस्तों शेयर भी करिए, आप लोग सेशन को लाइक भी करें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे, है ना, तो सभी लोग इसका उत्तर भी दीजिए। चलिए हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों इस सवाल की, तो ये जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी है, कार्ल लैंडस्टीनर ने करी है, ये आप लोग जानते हैं। इसकी खोज किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने करी है। और ये जो दोस्तों ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, याद रखिएगा इसमें एंटीजन तो दोनों होते हैं ए और बी दोनों, लेकिन इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं होता। इस ए बी को दोस्तों हम लोग यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, सॉरी यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी कहते हैं इसे। यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है दोस्तों, ओ को, ओ में ओ नेगेटिव को। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी में कहते हैं किसे, ए बी पॉजिटिव को, ये भी याद रखना है आपको। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, बोथ एंड बी एंटीजन्स इज द करेक्ट आंसर, यानी कि दोनों ही एंटीजन इसमें मौजूद होते हैं, इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। नमस्कार संजय चौधरी जी, ठीक है इसके आगे की बात करते हैं, अगले मुद्दे पर चलते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो आप लोग बताइए। एक ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों, याद रखना है, एबीओ, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है उसे दोस्तों बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि उसकी खोज सबसे पहले बंबई के किसी व्यक्ति ने की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले मुद्दे पर चलते हैं, अगला मुद्दा, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, यानी हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो मिक्स ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, वो कौन सा है, है ना, पैनक्रियाज है, लीवर है, स्प्लीन है, या थाइमस है। सबसे लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड हमारे शरीर का कौन सा है, अग्नाशय, यकृत, प्लीहा, या फिर थाइमस। हाँ पूनम सिंह जी आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, है ना। चलिए जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहां पर इस सवाल के, तो इस सवाल के कुछ बच्चे लीवर भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर सही उत्तर दे रहे हैं। बजरंग बली जी मंगलवार का दिन है तो याद रखिएगा। इस मिक्स्ड ग्लैंड की जब बात करते हैं तो यहाँ पर मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा है हमारा, यह है पैनक्रियाज, है ना, वही पैनक्रियाज जिसके अल्फा कोशिका से कौन सा ग्लूकागॉन हार्मोन और बीटा कोशिका से कौन सा इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वही पैनक्रियाज है जिसे हम लोग लैंगरहंस का द्वीप भी कहते हैं। लीवर बिल्कुल सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, याद रखिएगा, और हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट में सबसे बड़ा ऑर्गन भी है जिसका भार कितना, 1.5 किलोग्राम यानी 1500 ग्राम होता है, याद रखेंगे। स्टडी को हेपेटोलॉजी कहते हैं, केमिकल फैक्टर ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहलाता, रीजनरेशन पावर सबसे अधिक होता है, ये भी आप जानते हैं। स्प्लेन को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं। थाइमस दोस्तों ये हमारे चेस्ट कैविटी में पाया जाता है, है ना, और इस थाइमस की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा थाइमस ग्लैंड जो होता है ये दोस्तों कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, थाइमोसिन, और थाइमोसिन हार्मोन दोस्तों किसका डेवलपमेंट करता है हमारे बॉडी के अंदर, लिम्फोसाइट का, और दोस्तों ये क्या करता है हमारे इम्यूनिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, क्योंकि लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडीज का निर्माण करना। जब बात करता है दोस्तों ये जो थाइमस ग्लैंड है ये ओल्ड एज में जाकर क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, इस चीज को भी आपने याद रखना है।
इसके बाद की बात करते हैं, चलेंगे इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर, अगले सवाल पर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताइएगा। ग्लैंड की स्टडी दोस्तों क्या कहते हैं, इंडोक्राइनोलॉजी, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा आपका पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड होता है, और सबसे जो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है, दैट इज थायराइड, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले मुद्दे पर चलेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे, अगला प्रश्न, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सनग्लासेस, यानी कि इसमें से किसका यूज सनग्लासेस में किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। सनग्लासेस में किसका यूज होता है ये आपको बताना है, फटाफट जवाब दीजिए। क्रिस्टल ग्लास का, क्रूस ग्लास का, पायरेक्स ग्लास का, या फिर फ्लिंट ग्लास का। बहुत बढ़िया नितेश जी, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, यहां पर सन ग्लासेस की बात की जा रही है, और सन ग्लासेस में दोस्तों जिस ग्लास का यूज होता है, यहां पर सन ग्लासेस है, लेंस नहीं है, सन ग्लासेस में दोस्तों किसका यूज होता है, क्रूक्स ग्लास का यूज करते हैं, याद रखेंगे तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया कंचन जी, बहुत अच्छे, क्रूक्स ग्लास, लेंस की बात नहीं की जा रही है, सन ग्लासेस की बात की जा रही है। अगले सवाल पर चलेंगे दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर, अगले मुद्दे पर, यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। नेक्स्ट सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच अमंग द गिवन इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक्स, यानी कि इसमें से किसका यूज एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है ये बताना है। एनेस्थेटिक के रूप में इसमें से किसका यूज करते हैं, CH4 का, N2O का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर N2 का। और सेशन को दोस्तों शेयर भी करिए आप लोग, है ना, सेशन को शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। एनेस्थेटिक यानी मतलब होता है बेहोश वगैरह करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ना। पूनम सिंह जी, जब बात करते हैं इस सवाल की तो याद रखिएगा एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका, नाइट्रस ऑक्साइड। इस नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये जो दोस्तों मीथेन है, मीथेन को हम लोग क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं, नेचुरल गैस में इसी का यूज किया जाता है। और मीथेन को दोस्तों आप 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दो तो क्या बन जाता है, ये कार्बन ब्लैक। इसका यूज कहाँ पर होता है, ये दोस्तों टायर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दुधिया कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है, सोडा वाटर में पाया जाता है, कोल्ड अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, यही आपका फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशमक यंत्रों में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक, बहुत अच्छे। अगले मुद्दे पर चलते हैं हम लोग, अगला मुद्दा, अगला सवाल, अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया। नहीं अरे कंफ्यूजन क्वीन जी, सही में आप ना वाकई में कंफ्यूजन क्वीन है, है ना, मतलब सोडियम और नाइट्रोजन में फर्क आपको नहीं पता है, हैं? सोडियम को रखते हैं ना केरोसिन में डुबाकर और उसे चाकू से काट सकते हैं, नाइट्रोजन कहाँ से, नाइट्रोजन तो एक गैस है, इसे कैसे चाकू से काटेंगे आप बताइए। हाँ है ना। क्लियर है यहां तक। चलिए कोई बात नहीं है, होता है ऐसा। हम लोग बात करते हैं इसके बाद, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज नॉन एज, यानी कि जो मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी का उत्पादन और उनका मैनेजमेंट क्या कहलाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। सेरिकल्चर, पीसी कल्चर, एपिकल्चर, सिल्वी कल्चर, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग इसका उत्तर दीजिए, क्या सही उत्तर होगा। तो सरस्वती जी सी बता रही हैं, संजय जी भी सी बता रहे हैं, अच्छा, जब तक कंफ्यूजन क्वीन नहीं बता देती हैं तब तक इसका सही उत्तर नहीं मिलेगा। चेतन सोरेन जी भी सी बता रहे हैं, बहुत अच्छे।
चलिए खैर हम लोग बात करते हैं बीस। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा जो बीस का जो डंक होता है, बी स्टिंग। अच्छा इन्होंने भी सी बताया है, फिर तो इसका सही उत्तर सी ही होगा। बी की जब बात करते हैं दोस्तों, तो बी जो बी स्टिंग जो होता है उसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मीथानोइक एसिड भी कहते हैं, याद रखेंगे। और इनका जो पालन होता है ना उसे क्या कहते हैं, एपिकल्चर कहते हैं। सिल्विकल्चर जो दोस्तों फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी जो जंगली उत्पाद होते हैं इनका उत्पादन क्या कहलाता है, सिल्विकल्चर कहलाता है। इस चीज को भी आपने याद रखना है। पिसीकल्चर दोस्तों फिश जो मछली का पालन और उत्पादन है उसे पिसीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर दोस्तों रेशम कीट यानी जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, सिल्क वॉर्म का जो उत्पादन या सिल्क वॉर्म का जो पालन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सेरीकल्चर कहते हैं। इस चीज को भी आपने याद रखना है। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर है वो क्या है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन सी एपिकल्चर इज द राइट आंसर। और इनसे दोस्तों क्या पता प्राप्त होता है हमें, इससे प्राप्त होता है हनी। और हनी में क्या पाया जाता है दोस्तों, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, वो सबसे स्वेटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बताएंगे, और इसी तरह सेशन को आप लोग शेयर भी करते रहेंगे सभी बच्चे, है ना। चलिए मूव करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच आर द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड विद साउंड वेव। इसमें से कौन सा टर्म साउंड वेव से संबंधित नहीं है, किस टर्म का संबंध साउंड वेव से नहीं है, मैक, डेसिबल, कैंडेला या फिर हर्ट्ज। हाँ जी बताइए। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों साउंड वेव की, तो मैक नंबर दोस्तों, ये साउंड की जो मैक है, मैक नंबर जो है दोस्तों, इससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, इससे दोस्तों हम लोग हवाई जहाज की गति प्राप्त करते हैं। इस चीज को याद रखना है, ये भी साउंड से ही संबंधित है। सॉरी, डेसिबल दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड के। इसे दोस्तों किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं। डेसिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/10 ऑफ बेल, ठीक है। कैंडेला से दोस्तों हम लोग मेजर करते हैं क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता। किसी की मेजर जो की जाती है वो किससे की जाती है, वो कैंडेला में मेजर करते हैं। हर्ट्ज दोस्तों याद रखिएगा, इसमें मेजर करते हैं क्या हम लोग, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और जो दोस्तों साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, याद रखिएगा पिच ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये भी आप याद रखना है, पिच ज्यादा तो आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो आपकी पिच ज्यादा होती है, ये भी याद रखेंगे। स्पीड जो साउंड का स्पीड होता है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ दोस्तों क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जबकि प्रेशर का दोस्तों साउंड के स्पीड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। हम लोग जब बात करते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और दोस्तों अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। यहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना। चलिए हां जी, बहुत अच्छे बजरंग बली जी, बहुत शानदार। चलिए खैर हम लोग अगले मुद्दे पर चलते हैं दोस्तों, अगला मुद्दा, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच आर द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द मिल्क टीथ इन ए चाइल्ड ऑफ 3 to 4 ईयर, यानी कि 3 से 4 साल के बच्चे का जो दांत होता है, मिल्क टीथ जो होता है दूध का दांत होता है, उसमें कौन सा टीथ नहीं होता, इंसाइजर नहीं होता, प्रीमोलर नहीं होता, मोलर नहीं होता, कैनाइन नहीं होता। फिर से एक आसान सवाल आपके सामने, हाँ जी बताइए। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला पता है ना, ICPM डेंटल फॉर्मूला, मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों,
आपको पता होगा मिल्क टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला होता है दैट इज 2102, तो इसमें कौन सा टीथ नहीं है, तो आप देखिए कौन सा टीथ नहीं है, प्रीमोलर टीथ नहीं है, तो सही उत्तर है इसका क्या, प्रीमोलर। मिल्क टीथ में दोस्तों इंसाइजर टीथ कितने होते हैं, 8, है ना। कैनाइन टीथ कितने होते हैं दोस्तों, 4, और मोलर टीथ कितने होते हैं आपके, 8। तो यानी टोटल टीथ जो होता है मिल्क टीथ में वो कितना होता है, 20। जो टीथ की स्टडी होती है दोस्तों, टीथ की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। टीथ का जो दोस्तों, टीथ जिस पदार्थ से मिलकर बना होता है उसे डेंटिन कहते हैं। टीथ के ऊपर जो व्हाइट लेयर होता है इनेमल का बना होता है, विच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, इस चीज को भी आप याद रखना है। 20 दांत ऐसे होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो दोबारा आते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगले मुद्दे पर चलेंगे, इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ये रहा। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ बैक्टीरियल सेल इज, यानी कि जो बैक्टीरिया का जो कोशिका होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, ये आप बताइए। बैक्टीरिया की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, मैनी, 2, 0 और 1। हाँ जी कंचन जी, जो विस्डम टीथ होता है ना, जिसे हम लोग अक्कल दांत कहते हैं, वो लास्ट मोलर टीथ होता है ना, वो आपका 25 साल की उम्र के आसपास आता है, याद रखिएगा। जब बात करता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो दोस्तों सेल होता है ये कैसा सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, यानी असीम केंद्रक कोशिका होती है, और ये कैसी दोस्तों, अनडेवलप्ड यानी अविकसित कोशिका होती है, याद रखिएगा। तो अविकसित कोशिकाएं जो होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया या सेल ऑर्गेनल्स का अभाव होता है, कोशिकांगों का अभाव होता है, इसलिए दोस्तों इस बैक्टीरियल सेल के अंदर किसका अभाव होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी अभाव होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको याद रखना है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसे। इसकी खोज किसने करी, इसकी खोज तो दोस्तों अल्टमैन ने करी, नाम इसे किसने दिया था, बैंडा ने दिया था। और यहां पर पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण यहीं पर होता है, मतलब कि सेलुलर रेस्पिरेशन ये दोस्तों कहां पर, यहीं पर होता है, इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इस सवाल की, तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 0 इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट यहां तक, किसी को कोई समस्या परेशानी दुविधा है तो आप लोग बताएंगे। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके बाद अगले मुद्दे की। अच्छा बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है, तो सेलुलोज से ही बनता है ना। सेल वॉल जो होगा वो सेलुलोज से बनता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल नहीं होता है ना बजरंग बली जी। चलिए बात करते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की, अगले सवाल की। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द एज ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी ये किसने दी थी, ये आपको बताना है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसकी थ्योरी किसने दी थी, डार्विन ने, ऑस्ले ने, विलियम ने या लैमार्क ने। बहुत अच्छा सवाल है, सेशन को दोस्तों आप लोग शेयर भी करिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें, लाइक भी करें सेशन को आप लोग। हम लोग जब बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो याद रखिएगा दोस्तों जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में आपको पता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, कौन सी दोस्तों, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को भी लिखने वाले कौन थे, डार्विन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये थ्योरी भी किसने दी थी, डार्विन ने दी थी, है ना, याद रखिएगा। और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये भी किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। और हमसे ये सवाल भी पूछा गया था इंटरव्यू के अंदर, है ना, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी किसने दी थी, ये भी पूछा गया था, है ना। चलिए बात करते हैं इसके बाद अगले सवाल की। यहां पर दोस्तों हसले के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने दोस्तों प्रोटोप्लाज्मा, इसे दोस्तों क्या कहा गया, कहा था इन्होंने, प्रोटोप्लाज्म जो है इसे उन्होंने कहा जीवन का भौतिक आधार, किसने, हक्सले ने, यानी कि फिजिकल बेस ऑफ लाइफ कहा था इन्होंने,
ठीक है, विलियम हावे, इन्होंने दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था, इसलिए ना फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं कि ना विलियम हावे को। और लैमार्क के बारे में याद रखना है दोस्तों, इन्होंने बायोलॉजी टर्म को यानी कि जीव विज्ञान शब्द को क्वाइन किया था किसने, यानी जीव विज्ञान शब्द दिया था किसने, लैमार्क ने। इस चीज को भी आपके आपको याद रखना है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले मुद्दे पर चलते हैं, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है, जो अगला प्रश्न है, अगला मुद्दा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो एंड कोकोनट इज, यानी कि जो आम और कोकोनट है इसका एडिबल पार्ट कौन सा है, एडिबल पार्ट इसका कौन सा है, खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। स्टाइल एंड स्टिग्मा, इंडोकार्प एंड मेसोकार्प, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प, मेसोकार्प एंड पेरिकार्प, इसका आप लोग जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो सभी लोग इसका जवाब दें। मैंगो जो दोस्तों विटामिन सी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, और कोकोनट के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या है, एक ट्रू फ्रूट है ना, सत्य फल है कोकोनट, पता है ना आपको। तो कोकोनट का जो हिस्सा खाते हैं वो दोस्तों कौन सा हिस्सा होता है, कोकोनट का जो एडेबल पार्ट होता है वो होता है इंडोकार्प, ठीक है। जबकि जो मैंगो है दोस्तों उसका जो खाने योग्य हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, मेसोकार्प, ठीक है। यानी कि सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ये जो है हमारा दोस्तों सी जो है ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है यहां तक? हां जी, चलिए बात करेंगे इसके बाद अगले सवाल की, अगले प्रश्न की, अगला सवाल, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इको ऑफ साउंड वेव, यानी साउंड वेव का जो इको होता है उसके लिए कौन सा फेनोमेना यानी ध्वनि की कौन सी घटना रिस्पॉन्सिबल होती है, ये आपसे सवाल पूछा गया। कल दोस्तों एक सवाल पूछा गया था रेलवे में कि इस रूम, एक कमरे से दूसरे कमरे तक साउंड का सुनाई देना वो किस घटना के कारण होता है, वो दोस्तों होता है किसके कारण, आपको पता है डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि के विवर्तन के कारण होता है। यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है इको जो सुनाई देता है आपको, गूंज, गूंज जो होता है दोस्तों वो किस घटना के कारण होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि साउंड वेव के अंदर जो इको होगा वो किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है। और ये किसी भी साउंड, किसी भी इको को क्लियरली सुनने के लिए जो साउंड वेव है दोस्तों, साउंड वेव, साउंड सोर्स का मतलब रिफ्लेक्टर सर्फेस से कितना दूर होना जरूरी है, 17.2 मीटर दूर होना जरूरी है। और कोई भी साउंड सिग्नल, साउंड वेव का या किसी भी साउंड का जो परसिस्टेंस हमारे ब्रेन पर रहता है वो कितने समय के लिए रहता है, 1/10 सेकंड के लिए रहता है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है आपको दोस्तों कि जो पोलराइजेशन, ये लक्षण साउंड वेव के अंदर नहीं बल्कि ये किस में पाया जाता है, ये लाइट वेव में पाया जाता है, इस चीज को आपने याद रखना है। इसके बाद की बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, नेम द गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के, ब्लीचिंग पाउडर जो है दोस्तों उसका मतलब प्रिपरेशन किस गैस के द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, उसका जो स्ट्रक्चर है वैसा ही होता है संजय जी, है ना, क्योंकि वो जो पेरिकार्प होता है वो उसका मेसोकार्प होता है तो वो कठोर उससे बना होता है, ठीक है। जब हम लोग बात करता है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कितना होता है दोस्तों, CaOCl2, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और आपको ये भी पता है इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। आपको ये भी पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड पर जब दोस्तों क्लोरीन गैस पास किया जाता है तो उससे क्या बनता है आपका, उससे आपका बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। हाइड्रोजन की बात करते हैं दोस्तों, तो हाइड्रोजन को हम लोग किसने खोजा है, कैवेंडिश ने खोजा, सबसे हल्का तत्व भी होता है, सबसे अच्छा फ्यूल भी होता है। और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 150,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों क्लोरीन, तो इसका प्रयोग कहाँ पर, फूलों का रंग उड़ाने में किया जाता है, क्लोरीन की खोज किसने करी है, सिले ने करी है, ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्लोरीन इज द राइट आंसर। यहां तक किसी को कोई समस्या है, परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग बात करेंगे अगले सवाल की, अगले प्रश्न की।
और अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज द इन द ह्यूमन बॉडी रेगुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि इसमें से कौन सा ग्रंथि जो है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स को क्या करता है, नियंत्रित करता है? थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा क्या सही उत्तर होगा। ठीक है, सभी लोग इसका उत्तर दें कि कौन सी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों टोटल कितने हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है? 9 हार्मोन्स का। ठीक है, कौन कौन सा है? तो ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसके बाद दोस्तों एंटी डायुरेटिक हार्मोन है। ठीक है, ये सभी जो हार्मोन है ये सभी कौन सिक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसके बारे में याद रखिएगा दोस्तों, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, बट मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? इस हाइपोथैलेमस को कहते हैं, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस इसके द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ही दोस्तों भूख तथा प्यास का भी नियंत्रण करता है। यही हाइपोथैलेमस दोस्तों हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर दोस्तों कितना? 98.6 फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाया जाता है, जो एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और वही एड्रिनलिन हार्मोन दोस्तों हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, पल्स रेट को रेगुलेट करता है, याद रखिएगा। थायराइड ग्लैंड दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। थायरोक्सिन हार्मोन में दोस्तों आयोडीन नामक तत्व तो पाया जाता है, और अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो दोस्तों थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाता है, जिसके कारण एक बीमारी होती है गॉइटर, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, घेघा रोग कहते हैं। इस चीज को भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। यहां तक अगर आप लोगों को कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, दुविधा हो, तो आप लोग पूछिए, फिर हम लोग बात करेंगे इसके आगे के, मतलब उसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है हमारी दोस्तों 1 बजे होगी अन अकेडमी के ऐप पर, जिसमें हम लोग विज्ञान के सवालों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और 3 बजे आपकी जो क्लास होगी वो होगी अन अकेडमी के ऐप पर, जिसमें हम लोग जीएस का मॉक 64 डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, और दोस्तों इसी तरह आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स क्रैक सीटी एग्जाम्स को एसएससी इनग्रेव टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों आपका ये कोड याद रखना है, इस कोड को आप जब लगाएंगे तो इस कोड को लगाकर आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, कहाँ पर? अनअकैडमी के ऐप पर। ठीक है, तो हम लोग, हाँ, 1 PM को पर भी है ऐप में क्लास है, 1 PM पर भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। किसी को कोई समस्या, परेशानी, दुविधा है तो आप लोग बता सकते हैं, और नहीं है तो अच्छी बात है, हम लोग मिलते हैं फिर से 1 बजे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।